बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टेक्निकल ख्वाजा यूट्यूब चैनल पर एक बार तो फिर खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्निकल ख्वाजा यूट्यूब चैनल पर आपको हमेशा अप टू डेट वीडियोस मिल जाती हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको जैज कैश मर्चेंट अकाउंट के हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ। दोस्तों जैज कैश मर्चेंट अकाउंट के हवाले से जो सर्विस चार्जेस हैं, इसके अंदर कुछ कंपनी ने तब्दीली की है, तो सोचा कि आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन बर वक्त पहुँचा दूँ। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पहले आप जैज कैश मर्चेंट अकाउंट के ऊपर जो भी रिसीविंग करते थे किसी मोबाइल अकाउंट से या बैंक से, तो आपको 1.5% का जो टैक्स है या सर्विस चार्जेस है वो पे करने पड़ते थे। जबकि अगर आप क्यूआर कोड या टील आईडी से जो रिसीविंग करते थे उस पर आपको 1% टैक्स। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि जैज कैश मर्चेंट अकाउंट ने अपने ये जो सर्विस चार्जेस हैं या टैक्स है इसके ऊपर क्या तब्दीली की है। तो दोस्तों इसके लिए मुझे काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे थे दोस्तों के, और काफ़ी लोग मुझसे कंफर्म भी कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी वेबसाइट पे जाके अप टू डेट जो डाटा है वो आपके सामने रखूं और आपको लाइव दिखाऊं कि क्या इसके ऊपर तब्दीली आई है। दोस्तों ये जो अपडेट है ये जैज कैश मर्चेंट अकाउंट इस्तेमाल करने वालों के लिए कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है, बहरहाल आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। तो दोस्तों ये मैं अभी आपके सामने वेबसाइट पर हूँ, जैज कैश मर्चेंट अकाउंट मैंने ओपन किया हुआ है, वेबसाइट पर हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सर्विस चार्जेस, तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक, तो आपको मैं दिखाता हूँ सर्विस चार्जेस क्या इंप्लीमेंट हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आप रिसीविंग क्यूआर पेमेंट के थ्रू करते हैं उस पे तो 1% टैक्स जो है ना अब भी 1% लग रहा है, लेकिन आप दोस्तों इसके नीचे देखें तो आपको एक ऑप्शन नजर आ रही है स्टैंडर्ड MDR ऑन इनकमिंग IFD 2%। दोस्तों आप जो आप बैंक से रिसीविंग करेंगे अपने जैज कैश मर्चेंट अकाउंट में, वहाँ पर आपको 1.5% की बजाय 2% की जो सर्विस चार्जेस हैं या फीस है वो देनी पड़ेगी, और ये इंप्लीमेंट जो है 1 अप्रैल से ये इंप्लीमेंट हो जाएगी, और 1 अप्रैल से आप IBFT से यानी कि बैंक से जितनी भी पेमेंट वसूल करेंगे उस पर आपको 2% का टैक्स लगेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप जो है ये तीसरी ऑप्शन आप देख सकते हैं फंड रिसीव्ड फ्रॉम जैज कैश अकाउंट, तो इसके ऊपर भी दोस्तों आपको अब 1 अप्रैल से 2% की फीस चार्ज होगी, जो कि दोस्तों लास्ट मंथ मार्च में ये 1.5% कंपनी ने की थी, पहले ये 1% थी, अब जो है आपको ये 2% की फीस लगेगी 1 अप्रैल से। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप टेक्निकल ख्वाजा यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोगों से गुजारिश है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि इस तरह की तमाम अप टू डेटेड वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक दें मुझे इजाज़त। आप लोगों की तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।